हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स का अगला वीडियो है। पहला जो टॉपिक था वो हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, और आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। तो हाउ डू प्रिपेयर एल्केन्स इन द लैब एंड इंडस्ट्री लेवल्स आल्सो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे द्विअंगी यौगिक, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हों, दो तत्व हों जिनमें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, तो वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब वे द्विअंगी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, या कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने द्विअंगी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने द्विअंगी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इनको जनरली जो इस टाइप से क्लासिफाई किया गया, तो ओपन चेन क्लोज चेन की तरह भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरह से भी हमने क्लासिफाई कर रखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक है एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें साइक्लिक करेक्टर होगा, साइक्लिक फॉर्म होगा, मतलब क्लोज चेन है और ये जो है वो ओपन चेन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स, सिंपल है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन्स, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होगी तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इसमें एक कैटेगरी आती है, वो है एल्केन्स, जिन्हें हम पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक फार्मूला CnH2n+2। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन बॉन्ड लाइक दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट पजेस एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड। तो इट क्लासिफाइड टू कैटेगरीज, वन इज एल्कीन एंड अदर वन इज एल्काइन। एल्कीन दैट द फार्मूला इज CnH2n एंड एल्काइन दैट इज CnH2n-2। क्लियर, तो राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ एल्केन के। अब एल्केन का जो बेसिक फार्मूला भी आपने देखा वो है CnH2n+2 का। अब इसमें आप थोड़ा सा मतलब अगर इमेजिनेशन पे थोड़ा चलें कि कहाँ कहाँ से हम इसे बना सकते हैं, एल्केन्स को हम कैसे बना सकते हैं, तो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ढेर सारे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, जैसे एल्कीन और एल्काइन हो, तो वहाँ अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करा दें, जो जिस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइन्स, तो उसके द्वारा भी हम बड़ी आसानी से एल्केन्स बना सकते हैं। मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वहाँ से भी हम एल्केन बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, जो बेसिक फार्मूला है उसका RX। अब उस RX में से X अगर हटा दिया जाए और वहाँ पर एट द प्लेस ऑफ X अगर हम H सब्सटीट्यूट कर दें तो RH हो जाएगा, मतलब RX की जगह पर हो जाएगा RH, तो वहाँ से भी हम एल्केन बना सकते हैं। एक RX का ही एक डराइव्ड कंपाउंड है जिसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, OMC, जिसे बहुत फेमस कंपाउंड है। आई थिंक हैव यू हर्ड इट, ग्रिनार्ड रिएजेंट है ना, ग्रेनार्ड अभिकर्मक, उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर भी हम RMgX मतलब R माइनस फॉर्म में होता है, और अगर हम कहीं से भी H प्लस लाके ऐड कर दें तो RH, मतलब वहाँ से भी हम एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अलावा भी कई मेथड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CO कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक दैट एल्डिहाइड, कीटोन्स, मोस्टली यही हैं, एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। हाँ, CO कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा। तो इन सब का अगर हम जो ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट कर दें, ऑक्सीजन हटा दें और वहाँ पर हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करा दें, मतलब हम रिडक्शन करा दें। क्या करा दें? रिडक्शन, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो भी रिडक्शन कहलाता है। तो आइदर प्लस एच और माइनस हो, दिस इज द रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म है ये, प्लस एच या माइनस हो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? रिडक्शन। और इसी का उल्टा कर दीजिए, प्लस ओ या माइनस एच, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को हटाएं और हाइड्रोजन को ऐड करा दें, ऑक्सीजन को हटाएं या हाइड्रोजन को ऐड करा दें, तो ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी कर दीजिए, ऑक्सीजन को लगाइए और हाइड्रोजन को हटाइए, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे रिएक्शंस हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसमें कुछ रिएक्शंस इसमें थोड़ा हम क्रिस्प करके बताएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन वो डिटेल में है, तो उनके लिए अलग से नेमिंग रिएक्शंस का टॉपिक करके वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कवर करना है तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है इसका, जो फर्स्ट मेथड है हम ले लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं कि एल्केन्स कैसे बनाया जाए,
तो हम ले रहे हैं पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अब इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन है और वो है साबाते सेंडरेंस रिएक्शन, साबाते सेंडरेंस अभिक्रिया, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड निकिल, मेन कैटलिस्ट वही है साबाते सेंडरेंस, ठीक है। साबाटेस सेंडरेंस, सेंडरेंस रिएक्शन, ठीक है। है क्या बेसिक रिएक्शन, क्या है इसका बेसिक बेसिक कंडीशन? ये है कि जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर गैसियस फॉर्म में होगा, उस गैसियस फॉर्म के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उसके साथ हाइड्रोजन मिक्स करिए, और उस हाइड्रोजन को मिक्स करने के बाद उसको निकिल कैटलिस्ट जो कि वार्म अप किया गया होगा लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर, उस पर अगर हम पास कर दें तो वहाँ जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है उस पर हाइड्रोजन ऐड कर जाता है, जिससे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से डबल एंड अगेन सिंगल, अगर हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन वहाँ डाल देते हैं तो, ठीक है। तो होता क्या है ये देखो, ये है हम ले रहे हैं एल्कीन का केस, CnH2n, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्कीन। अब गैसीय एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ मिला करके निकिल उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें CnH2n+2, दिस इज एल्केन। ये बेसिक फॉर्मूले की तरह से बता दिया है, और ये एल्कीन, ठीक। इसका एग्जांपल देख लो कोई, जैसे मान लो ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हाइड्रोजन, ये एथिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसके मिश्रण को अगर हम निकिल उत्पेड़क पर प्रवाहित कर दें तो इस डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड करें, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एच इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3, और ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, दिस इज एथेन। तो ये एल्केन बनाने का सिंपल मेथड है, और ये एथीन, दिस इज द IPSC नेम एथीन। एल्काइन का केस ले लो, या एक और कोई एल्कीन दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया हमने RCH, अब R की जगह आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं ना, हम एक पाई बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, तो इस पर अगर हम इस गैसीय हाइड्रोकार्बन्स को इस हाइड्रोजन गैस के साथ मिला करके अप्रॉक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास आउट कर दें तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हो गया एल्केन, ठीक है। जो भी रेस्पेक्टिव होगा, अगर CH3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, C2H5 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। ये तो एल्कीन का केस था। अब दूसरा केस है एल्काइन का, मान लो ये ले लिया हमने CnH2n-2। अब आप जानते हैं कि एल्केन के रेस्पेक्ट में यहाँ 4 हाइड्रोजन कम है ना, तो यहाँ हमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और उस हाइड्रोजन को अगर हम निकिल कैटलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोवाइड कर दें तो ये 4 हाइड्रोजन इस पर ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा, मतलब 4+4 करेंगे तो +2 हो जाएगा ना, ये देखो CnH2n+2, क्लियर है। जैसे यहाँ ऐसे हुआ होगा, ये देखो -2+4, तो ऐड करके आएगा क्या, +2, ये हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्केन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये एल्काइन है, एंड दिस इज एल्काइन, एंड दिस इज एल्केन, क्लियर ना। एग्जाम्पल देख लो कोई, जैसे ये है, ये हमने ले लिया एथाइन, एथाइन 4 हाइड्रोजन जाएगा, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज एथाइन, गॉट इट, एंड दिस इज एथेन। तो दिस इज द साबाते सेंडरेंस रिएक्शन बाय विच वी कैन सिंथेसाइज एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइन्स बाय एडिंग हाइड्रोजन, एंड द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेट पास ओवर 300 डिग्री सेल्सियस निकिल कैटलिस्ट एंड वी फाइंड एल्केन्स, क्लियर। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन बाई विच वी कैन सिंथेसाइज या वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स, गैसियस एल्केन्स। इसमें कुछ कंडीशन और देख लो साबाते सेंडरेंस में, केस कुछ और है यहाँ। अगर हम निकिल कैटलिस्ट के जगह पर पैलेडियम या प्लेटिनम या रेने निकिल अगर हम ये ले लें तो उस पर प्रवाहित अगर हम करें तो ये थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट तो ही है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, मतलब RT पे ये काम कर सकता है, रूम टेम्परेचर पे भी ये बन सकता है। अगर हम निकिल के स्थान पर ये
आप नोटिफाई कर सकते हैं, निकिल के स्थान पर अगर हम पैलेडियम ले लें, प्लेटिनम ले लें या रेने निकिल ले लें, ठीक है, रेने निकिल अगर हम ये ले लेते हैं, निकिल 28 है ना, रेने निकिल ले लें, तो पैलेडियम ले लें, प्लेटिनम ले लें या रेने निकिल ले लें, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो निकिल के स्थान पर पैलेडियम प्लेटिनम रेने निकिल लेने पर अभिक्रिया सामान्य ताप या कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर ही हो जाती है, ठीक है, एक कंडीशन याद रखिएगा। हाँ, अब एक बात हम आपको बता देते हैं कि रेने निकिल क्या होता है, रेने निकिल, ठीक है, ये थोड़ा सा आप सुन लीजिए क्या है रेने निकिल। पाउडर्ड फॉर्म है निकिल का, लेकिन होता कैसे है, निकिल और एल्युमिनियम का एलवाई ले लीजिए, मतलब निकिल और एल्युमिनियम का मिश्र धातु ले लीजिए और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ उबाल लीजिए, ठीक है। निकिल एल्युमिनियम के मिश्र धातु को, उसका जो चूर्ण होता है जैसे पाउडर फॉर्म, तो पाउडर फॉर्म इसका, पाउडर फॉर्म निकिल एल्युमिनियम एलॉय का, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल कर लीजिए, ठीक है। जब आप बॉयल कर लेंगे, बॉयल जब कर लेंगे आप, तो उसमें जो एल्युमिनियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम मेटा एल्युमिनेट बना लेगा, और सोडियम मेटा एल्युमिनेट का मतलब NaAlO2, ये अलग हो जाएगा, बचेगा निकिल, ठीक है। इस निकिल को आप फिल्टर कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में ये बचेगा, फिल्टर कर लीजिए, वॉश कर लीजिए और फिर ड्राई कर लीजिए, ये तीन काम कर लीजिए, फिर आपको जो पाउडर मिलेगा, दिस इज़ अ निकिल पाउडर, निकिल पाउडर, एंड दैट निकिल पाउडर इज़ नोन एज रेने निकिल, ठीक है। तो ये होता है रेने निकिल, रेने निकिल इट इज़ एक्टिवेटेड कैटलिस्ट, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है क्योंकि इस पर एक्टिव सेंटर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, रेने निकिल अगर हम लेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कराई जाती है बिना रिएक्शंस को हीटअप किए। मतलब यहाँ नॉर्मल निकिल ले रहे हैं तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम रेने निकिल ले लें या पैलेडियम या प्लेटिनम ले लें तो उसके लिए हमें सामान्य ताप पर ही ये रिएक्शन करा सकते हैं, RT पे ही करा सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही हम करा सकते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अगला रिएक्शन देखो वो है एल्किल हैलाइड से, अभी जो हम बात कर रहे थे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से था ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से था, अभी तक जो रिएक्शन देख रहे थे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड से था, ठीक। उस रिएक्शन की सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी, वही लिमिटेशन यहाँ भी है, और लिमिटेशन ये है उसमें कि आप उससे एल्केन मेथेन नहीं बना सकते, मेथेन मतलब सिंगल कार्बन, CH4 वी कांट सिंथेसाइज थ्रू साबात या सेंडरेंस रिएक्शंस, क्योंकि वहाँ हमें अनसैचुरेशन चाहिए और अनसैचुरेशन बॉन्ड, अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो होता है वो दो कार्बन के बीच में होता है, तो मेथेन साबात या सेंडरेंस से नहीं बनेगा। आओ इधर देखते हैं, एक अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनके लिए, और इस रिएक्शंस की कुछ खासियत है कि इससे कार्बन की चेन हम बढ़ा सकते हैं, लिमिटेशंस भी हैं लेकिन इसकी कुछ अच्छी बातें ये हैं कि हम इससे कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिएक्शंस में या कन्वर्जन में ज़रूरत पड़ती तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या होता है ये वुड्स रिएक्शन, ये तो नाम है, नेमिंग रिएक्शन है ये। अगर आप एल्किल हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड, और इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएं, अब सोडियम आप जानते हैं सोडियम जो है वो पानी में नहीं रखा जाता, सोडियम पानी में रखा जाएगा तो आग लग जाती है उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट करती है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी से लिबरेट करती है वहाँ से, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाती है, इसलिए यहाँ सोडियम जब आप पानी में डालोगे तो बम्प करता है, इसलिए सोडियम जो सोडियम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ड्राई ईथर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ड्राई ईथर, जस्ट वी नीड शुष्क ईथर, और ईथर मतलब अगर है तो इट मींस यहाँ कॉमन ईथर है, दैट इज डाइएथिल ईथर, C2H5O C2H5, उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ईथर जहाँ जहाँ रिएक्शंस में आए इसका मतलब वो कॉमन ईथर लिया जाता है, अगर वहाँ डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, केवल कॉमन ईथर बोला गया या ड्राई ईथर बोला गया है, तो इसका मतलब या इथरीय विलयन बोला गया, इथरीय सॉल्यूशन में, एथरिक सॉल्यूशंस में, तो इसका मतलब वहाँ है कि C2H5O C2H5, अर्थात डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन का ही इस्तेमाल किया गया है, तो वही यहाँ है ड्राई ईथर। अब होता क्या है, ये जो एल्किल हैलाइड है ये एक्सेस में होता है और ये भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, तो इसके रिएक्शन से हमें मिलता क्या है, RR प्लस NaX। तो इसको अगर हम देखें तो टू मोल्स ये हैं, टू मोल्स ये हैं, दिस इज एल्किन RR,
आर आर मतलब अगर जैसे ये ले लेते हैं सी एस थ्री आई प्लस सोडियम, उसी को हमने उल्टा लिख दिया है सी एस थ्री आई, ठीक है। ड्राई ईथर लिया गया है, ड्राई ईथर सोडियम, अब देखो हाँ एक एक करके है, सोडियम एक इधर एक इधर, वो दो दिखा रहे हैं बस, एक एक सोडियम आयोडीन के साथ और यहाँ भी एक सोडियम आयोडीन के साथ, तो ये सी एस थ्री सी एस थ्री आपस में ऐड कर जाएंगे तो ये मिल जाएगा सी एस थ्री प्लस टू एन ए आई, दिस इज द एथेन, ठीक है। ये है तो टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड हमने लिया है और टू मोल्स ऑफ सोडियम, तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन है सोडियम और एल्किल हैलाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स आउट एल्केन्स विद हायर नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे जो एल्किल हैलाइड है वो एक कार्बन का था, लेकिन जो हमें एल्केन मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट वो दो कार्बन का है, एल्किल हैलाइड एक कार्बन का है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दो कार्बन का मिल रहा है। तो ये है वुड्स रिएक्शन। जैसे ये C2H5Br मान लो एथिल ब्रोमाइड, इसको भी सोडियम के साथ हमने रिएक्शन करा दिया है, ये Br C2H5 ड्राई ईथर, ठीक है ड्राई ईथर, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H5 अगेन C2H5 प्लस NaBr टू टाइम्स, दिस इज एन ब्यूटेन, क्लियर। ये है एन ब्यूटेन, तो ये ब्रोमोएथेन, ये भी ब्रोमोएथेन, टू मॉलिक्यूल्स या टू मोल्स और दो सोडियम, ड्राई ईथर की वजह से में एथेन से क्या बन गया ब्यूटेन बन गया, ये ब्यूटेन। दो कार्बन का हमने रिएक्टेंट लिया था, चार कार्बन का हमें प्रोडक्ट मिला है। अब इसकी लिमिटेशन देखो क्या है, इस रिएक्शन की लिमिटेशंस हैं कुछ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्शंस में हमें दो मोल एल्किल हैलाइड का यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेथेन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा मेथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता, इस अभिक्रिया से मेथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं किया जा सकता है, क्लियर। इसकी एक लिमिटेशंस में यह है कि सोडियम के स्थान पर हम ये भी ले सकते हैं, सोडियम रिएक्शन में प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ इसमें यह है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर आप एल्किल हैलाइड लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब एक मोल एक कार्बन का ले लिया, दूसरा मोल जो है वो दूसरे कार्बन का एल्किल हैलाइड है, तो आर और आर डैश अगर हम ले लें टाइप का एल्किल हैलाइड तो मिक्सचर्स ऑफ एल्केन्स मिलते हैं, मतलब प्योर एल्केन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन अगर हम बनाना चाहें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी हम इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन जो भी लेंगे उसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया तो एल्केन मिलेगा दो कार्बन का, दो कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया तो चार कार्बन का, तीन कार्बन का लिया तो छः कार्बन का। हाँ चेन बड़ी होने पर वो टूटने भी शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड जो है वो क्लीव होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड ले लें, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड ले लें तो वहाँ मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स मिलते हैं। जैसे मान लो जैसे ये है, जैसे आर एक्स सोडियम और यहाँ ले लिया हमने आर डैश एक्स ड्राई ईथर, वही कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसमें जनरली देखने से क्या लग रहा है कि आर आर डैश मिल गया, एन ए एक्स बन गया पूरा इस तरह से, ये दोनों एल्किल हैलाइड है लेकिन ये इसका आर अलग है और इसका आर अलग है, दोनों आर अलग अलग है, ठीक है। तो वहाँ हमें सिर्फ इसी टाइप का एल्केन नहीं मिलेगा, हमें ये एल्केन भी मिलेगा, हमें ये एल्केन भी मिलेगा, तो हमें मिक्सचर्स ऑफ एल्केन मिलेंगे, मतलब आर आर डैश भी मिलेगा, आर आर भी मिलेगा और आर डैश मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना यहाँ, और यहाँ भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब रिएक्शन हम कराएंगे तो सोडियम के साथ ये हर बार जरूरी नहीं है कि वहाँ आर एक्स और आर डैश एक्स ही हर बार पार्टिसिपेट करे, तो वहाँ तीन पॉसिबिलिटी है, दो डिफरेंट टाइप के केस हैं तो पॉसिबिलिटी तीन बनेगी। कैसे? एक बार आर एक्स सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो हमें आर आर मिल जाएगा, दूसरी बार आर डैश सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो हमें आर डैश मिल जाएगा, और अगर मान लो आर एक्स और आर डैश एक्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में सोडियम के साथ तो हमें ये एल्केन मिल जाएगा। मतलब वी गॉट डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, मतलब आर आर डैश आर 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 डैश आर डैश। तो अब इस केस में हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स,
तो एल्केन बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है इस तरह के एल्केन्स को बनाने के लिए। अदरवाइज दिस इज गुड मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। सिंपली कार्बन नंबर वन, दो कार्बन का एल्केन, दो है तो चार कार्बन का एल्केन। क्लियर। एक और चीज बता दें हम आपको इसमें वुड रिएक्शंस में, ये जो सोडियम है इसकी जगह पर सोडियम के स्थान पर कॉपर या सिल्वर का भी प्रयोग किया जा सकता है। कॉपर या सिल्वर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन सेम है, रिएक्शन वैसे ही हो जाएगी, ठीक। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, एल्किल हैलाइड के साथ एक रिएक्शन और है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा। देखो क्या है प्रोसेस, वैसे ये रिएक्शन डाई एल्किल जिंक हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए इसको, अगर हम सोडियम की जगह पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन कहलाएगी क्या, फ्रैंकलैंड। मतलब ये होता है RX लिया है हमने जिंक, ध्यान रखिएगा जिंक जो है वो बाईवैलेंट है, सोडियम मोनोवैलेंट होता है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है जबकि जिंक की वैलेंसी दो होती है, एटॉमिक नंबर 30 है ना। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन जब कराया तो यहाँ मिल गया क्या, पहले मिलता है R2ZN डाई एल्किल जिंक प्लस ZnX2, ये मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे डाई एल्किल जिंक क्लियर। अब ये जो R2ZN है इसको फिर से एक एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा आपको RR प्लस RZnX, ये अलग हो गया ये, तो ये क्या था, एल्केन। क्लियर। तो यहाँ से आपको रिएक्शंस में मिल सकती है, यहाँ से मिल जाएगा आपको एल्केन्स, क्लियर है। अब एक कंडीशन और देख लीजिए, इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ दो स्टेप में हमने दिखा दिया, एल्किल हैलाइड की टू मोल्स जिंक यूज़ किया हमने तो मिल गया हमें डाई एल्किल जिंक, और डाई एल्किल जिंक के साथ जिंक हैलाइड ZnX2, मतलब ZN अगर CL था यहाँ पर तो ZnCl2Br था तो ZnBr2 ZnI2 इस तरह से बन जाएगा। जो डाई एल्किल जिंक है ये फर्दर RX से रिएक्शन करता है उसी मीडियम में और बना देता है RR, ठीक है, एल्केन। अब इसमें देखें अगर आप, तो यहाँ हम ले लेते हैं कोई कंपाउंड, जैसे मान लिया CH3I ले लिया, ZN ड्राई ईथर तो मिल जाएगा आपको CH3 होल 2S जिंक प्लस ZnI2, दिस इज डाई मिथाइल जिंक क्लियर। एंड अगेन डाई मिथाइल जिंक इज फर्दर रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड 2 times CH3 होल 2S जिंक प्लस CH3I, सेम कंडीशन ड्राई ईथर एंड इट गिव्स आउट CH3 प्लस CH3 ZnI मेथिल जिंक आयोडाइड, ये हो गया आपका एथेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो रिएक्शन सिमिलर है लगभग, बट एट द प्लेस ऑफ सोडियम वी यूज जिंक इन द केस ऑफ फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक। लिमिटेशंस यहाँ एक और भी है और वो ये है, इस रिएक्शन के द्वारा भी मीथेन नहीं बना सकते आप, साबाते सेंड्रेन से भी मीथेन नहीं बना सकते, फ्रैंकलैंड रिएक्शन से भी आप मीथेन नहीं बना सकते, मतलब सिंगल कार्बन, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना चीज़ों का, मतलब कंज्वाइंट हो रहे हैं और कंज्वाइंट होने से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे साबाते सेंड्रेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था तो वहाँ पर भी हमें कम से कम दो कार्बन चाहिए था तो वहाँ से मीथेन नहीं बनेगा, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड दो एल्किल हैलाइड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से भी सिंगल कार्बन का मीथेन नहीं बनेगा, यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रही, दो कार्बन के एल्केन्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें मीथेन नहीं मिलेगा, मतलब इसकी लिमिटेशंस भी है, मीथेन का निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ पर भी मीथेन का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड के बाद अगली रिएक्शंस हैं अपचयन द्वारा, उसी एल्किल हैलाइड में ही एक मेथड है जिसमें हम RX में X को अगर हम हटा दें और वहाँ हटाने के बाद वहाँ H लगा दें तो हम बड़ी आसानी से RX से हम RH बना सकते हैं, RH मतलब एल्केन, R मतलब एल्किल, CnH2n+1 उसमें एक हाइड्रोजन और ऐड कर दीजिए तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+1 एल्किल का फार्मूला है और एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा CnH2n+2, क्लियर।
क्या तरीका हो सकता है? ये एल्किल हैलाइड है, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन मतलब जो एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में है। और ये आएगा कहाँ से? तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो आर एक्स की जगह से क्या हो जाएगा? आर एच प्लस एच एक्स, क्लियर। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकेलियस यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं बाय विच वी कैन रिड्यूस द एल्किल हैलाइड इनटू एल्केन्स। इनके एल्किल हैलाइड से बड़ी आसानी से हम एल्केन बना सकते हैं आफ्टर रिडक्शन। पैलेडियम हाइड्रोजन, निकिल हाइड्रोजन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिंक प्लस कांस कंसनट्रेट HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर का कपल है ये, एथिल अल्कोहल, सिल्वर और मरकरी का ये कपल है एज लाइक LY, तो सिल्वर और मरकरी का कपल, और CTH5OH, लाल फास्फोरस प्लस HI। इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो एल्किल हैलाइड से हम एल्केन बना सकते हैं। एक कंडीशन है थोड़ी यहाँ पर, इस रिएक्शंस में जिंक जहाँ एसीटेट है और जिंक, तो इस केस में जैसे हाइड्रोजन रिड्यूस हो, जैसे जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें हाइड्रोजन जो है रिड्यूस करता है, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं करता, जिंक रिड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ जिंक फ्री रेडिकल। तो जिंक फ्री रेडिकल जो है वही रिड्यूस करता है इसको, ठीक है, जिंक फ्री रेडिकल रिड्यूस करता है। ऐसा आप सिंपल समझिए कि हाइड्रोजन निकिल पैलेडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो आर एक्स है वहाँ मिल जाएगा हमें आर एच। जैसे अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये है CH3I अगर हम ले लें और यहाँ नवजात हाइड्रोजन है, तो ये H2+ पैलेडियम हमने ले लिया है, तो ये हाइड्रोजन मिलेगा और वो हाइड्रोजन क्या कर देगा, CH4+ HI अलग कर दिया, CH4+ HI मिल गया। C2H5Br अगर हम ले लें तो ये हाइड्रोजन, यहाँ H2 भी इस केस में दिखा सकते हैं आप, वही है पैलेडियम एक्टिवेटेड, तो ये मिल जाएगा आपको C2H6+HBr, क्लियर। अब एक केस थोड़ा हम बता देते हैं जहाँ जहाँ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अभी आपने देखी, चाहे वुर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड या बाय रिडक्शन, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड तो उसका जो क्रम है, जैसे RI दे आर मोर रिएक्टिव देन RBr एंड देन RCl। इन द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन एज वेल इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एल्किल हैलाइड जो है दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स वुड्स रिएक्शन, RI ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, RBr उससे कम और RCl सबसे कम। RI सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है RI की, वो सबसे कम होती है। बॉन्ड लेंथ R और I के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, तो बड़ी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है, यहाँ ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है। तो RI जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन RBr एंड RCl, क्लियर। और एक एक्सेप्शनल केस हम और बता दें आपको, अगर हम वुड्स रिएक्शन में, इन द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन बड़ा एक्सेप्शन है, वो याद रखना चाहिए आपको। इन द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन विद सोडियम, तो वहाँ हमें एल्केन नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये बड़ा एक्सेप्शन है कि अगर हम वुड्स रिएक्शंस में 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड अगर हम लें तो वहाँ एल्केन के बजाय वहाँ डीहाइड्रोहैलोजनेशन हो जाता है और वहाँ मिलता है हमें एल्कीन। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिव्स एल्कीन, ठीक है, देना चाहिए था एल्केन, लेकिन तो बाई डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ HX, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी, तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एलिमिनेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ मिल जाता है हमें एल्कीन। हम एग्जांपल दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3
CH3 और ये CH3, दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, और यहाँ ले लीजिए आप एल्किल हैलाइड का केस, ठीक है, तो दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। वाई 3 डिग्री, दैट हैलोजन इज अटैच विद द 3 डिग्री कार्बन, जो हैलोजन है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो जो एल्किल हैलाइड होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जनरल वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मिलेगा आपको ये मिल जाता है, एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है, और ये HX HI अलग हो जाएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से I, तो ये 3 डिग्री का एल्कीन, मतलब ये हो गया 2-methyl propene मिल गया, जबकि हम रिएक्शन की कंडीशन जो हमने बनाई थी वो था एल्केन के प्रिपरेशन का, बट दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्शनल केस कि अगर हम 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड अगर हम लेते हैं वुड रिएक्शंस में, तो वो एल्केन देने के बजाय हमें क्या देता है, एल्कीन। ध्यान रखेंगे, थैंक यू।